हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं थी। लेकिन आज कुछ नोटिस हमें देख गया, जिससे कि हमें आइडिया मिल गया कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, उसका क्या शेड्यूल रहेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, कितना सीट मैट्रिक्स होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझने में टाइम लगा था, वहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे हूँ, जिस पे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की काउंसलिंग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 2 अक्टूबर 2021, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम यहाँ पे जाकर के सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल ही देख लेते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। तो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन जो उनका ख़त्म हो रहा है वो 13 अक्टूबर को ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जिनको करवाना है वो इसी डेट में करवा सकते हैं। आप बोलेंगे भैया वहाँ पे लिखा हुआ इंजीनियरिंग और आप कह रहे हो आर्किटेक्चर के, तो आप FAQ में जब जाओगे ना तो आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, द कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन दीज 5 इंस्टीट्यूट ओनली इफ सी रजिस्टर ऑनलाइन बिफोर 13 अक्टूबर। आपको 13 अक्टूबर से पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है स्पॉट राउंड के लिए। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन होगा कि आर्किटेक्चर भी हम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग का भी हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, तब क्या होगा? तो कैंडिडेट्स अप्लाई बोथ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर को इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ट्वाइस, आपको 2 बार रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये 2 अक्टूबर को पता चलेगा कि वहाँ BR का भी रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है। अभी मैं कन्फर्म नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे भी ना इन्फॉर्मेशन खिंचा पीचा दिया हुआ है। तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और एक जगह पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो कंफ्यूज हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब आप अगर इंजीनियरिंग के लिए करवा रहे हो तब भी आपको अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अगर आप BR के लिए करवा रहे हो तब भी आपको अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो अभी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है भैया चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का। तो CCA का सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट चंडीगढ़ कोटा ही सिर्फ मिलेगा इस बार, पंजाब का जो कोटा था वो उसे उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ कोटा ही मिलेगा, जिसमें टोटल सीटें, अगर चंडीगढ़ कोटा की बात करूँ तो 32 सीटें हैं। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ, एक मिनट, आउट ऑफ स्टेट चंडीगढ़, मैं इसे डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ऑल इंडिया कोटा में भी 6 सीटें हैं और आउट स्टेट चंडीगढ़ सीटें में भी सिर्फ 6 सीटें हैं, ठीक है। और कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कट ऑफ चेक करना है तो आप पुरानी कट ऑफ को, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को यहां से भी चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे JEE मेन पेपर 2 के रिजल्ट्स भी 3 से 4 तारीख तक आ ही जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारा सारा रैंकिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें एडमिशन मिलेंगे। अब यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कुछ है। तो एक्जिलिटी कैंडिडेट, मतलब कि एक्जिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन से पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात भी है कि इस बार जैसा मैंने शुरू से बताया था आपको कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके यही यूज़ होने वाले हैं। जैसे आपने 10th 12th का डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो कंपलसरी है, उसी तरीके से इस बार आपका कंपलसरी होने वाला है नाटा का स्कोर आपका कंपलसरी रहेगा। बाकी अगर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो NTA की तरफ से JEE मेन का आपकी रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है, वही आपको यहां पे यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहां पे आपको अवेलेबल हैं, आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट मैं आपको इसके रिगार्डिंग 2 तारीख को दे दूंगा। अगर 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी स्टार्ट हो जाती है, साथ में इंजीनियरिंग की भी, क्योंकि यहाँ पे घिचपिच है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया क्योंकि घिचपिच इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कहीं पे काउंसलिंग शेड्यूल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के भी डेट्स दिए हुए हैं, तो घिचपिच है। आप 2 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का भी स्टार्ट हो गया या फिर BTech का भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना मत क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुँचानी थी कि भैया तैयार रहना, ठीक है। अगर डेट्स अवेलेबल होते हैं तो जिन बच्चों को अप्लाई करना है कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आता है आर्किटेक्चर में, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है
वो बहुत पुरानी है आर्किटेक्चर में, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप एक बार देख सकते हैं अबाउट अस की पेज में जा कर के। इसकी हिस्ट्री जो है वो है लगभग 1961 की, तो बहुत पुराना कॉलेज है फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर इसमें आपको एडमिशन वगैरह मिल जाता है, अगर आप चंडीगढ़ से बाहर के हो और फिर भी अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप बहुत लकी इंसान हो, ठीक है। बाकी मिलेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम क्लियर करते हैं कि क्या अपडेट है इसके रिगार्डिंग।